दिल्ली में योगी का रोहिंग्या पर एक्शन, बुलडोजर चलाकर खाली करा ली जमीन। जी हां, योगी सरकार रोहिंग्याओं पर पूरी तरह से सख्त है। रोहिंग्याओं को किस तरह से खदेड़ना है यूपी से, ये योगी बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर चाहे वो अवैध कब्जा दिल्ली में ही क्यों ना हो। और अब योगी सरकार का बुलडोजर दिल्ली में घुसकर रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे हटाने में जुट चुका है। दरअसल राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को ढा दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। सुबह 4 बजे से ही ये एक्शन शुरू हो गया था। आपको बता दें, यहां करीब 5.21 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर अब योगी का बुलडोजर चला। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल योगी सरकार द्वारा लगातार राज्य में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में कई जगह ये एक्शन देखा गया है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कई हिस्सों में जमीनें हैं। ये ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरबंद और खुरेजी खास में है। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा भी इस एक्शन का वीडियो ट्वीट किया गया है। मंत्री ने लिखा, दिल्ली में फिर से चला योगी का बुलडोजर, योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शीघ्र ही और बड़े एक्शन लिए जाएंगे। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन इलाके के पास बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रुके हुए हैं। यहाँ पर झुग्गी बस्तियां कैंप बनाए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले इन इलाकों में आग भी लग गई थी, जिनमें कई झुग्गियां जल गई थीं और भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा योगी सरकार ने हाल ही के वक्त में कई माफियाओं की जमीन को भी कब्जे में लिया है, साथ ही इन पर इसी तरह से बुलडोजर भी चलाया है। लेकिन दिल्ली में घुसकर जो योगी सरकार के बुलडोजर ने एक्शन लिया, उससे ये साफ हो गया है कि यूपी से और यूपी की जमीन से तो रोहिंग्याओं का सफाया जल्द ही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।